पूर्व सांसद और फिल्म अभिनेत्री जया पर्दा आजकल रामपुर में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के समर्थन पे डटी हुई हैं। जया पर्दा ने आजम खां पे हमला बोलते हुए कहा कि ये जो आजकल मंच पर आंसू बहा रहे हैं, ये किस लिए रो रहे हैं? इनको मेरे आंसू नहीं दिखे जो मैंने 10 साल से बहाए हैं। महिलाओं के सम्मान के लिए आपने ताजिम फातिमा को सीट क्यों दी? आप किसी भी समाजवादी पार्टी जो झंडा उठा हो उसकी सीट दिलवा देते हैं तो हम अभिनंदन करते हैं उनका। ये सिर्फ परिवारवाद है। देखिए, थोड़ा सालों से उन्होंने जो जुल्म गरीब लोगों के ऊपर, उनके गुर्बत के ऊपर काम किया है और उनके ऊपर जो जुल्म किया है, उस आंसू का श्राप है। एक एक औरत, बूढ़ी माँ ये आंसू बहा के कह रही है कि हमारे घर पे रात में घुस कर आले हसन और आजम खान साहब के हुकूमत चलने के टाइम उन्होंने घर पे घुस कर एक एक बच्चे को बाहर उठा उठा के फेंक दिया, तो वो माँ झूठ नहीं बोली, उनके आंसू झूठ नहीं। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि गरीब आंसू कोई कीमत नहीं। आजम साहब मंच पर आंसू बहाते हैं तो वो बहुत बड़ी बात है। आप अखबार में इतने बड़े हेडलाइंस बनाते हैं कि आजम साहब 4 बार मंच पर आंसू बहाए। हमने 10 साल आंसू बहाते कहा कि महिलाओं को सम्मान दो, बहन को सम्मान दो, और हमारे ऊपर अभद्र टिप्पणी करते हैं तो हम 10 साल से आंसू बहा के कह रहे हैं, तो आपको ये आंसू दिखाई नहीं दे रहा? क्या आज आजम साहब रो रहे हैं? किस लिए रो रहे हैं? परिवारवाद? अरे, उनके पत्नी को मैं भाभी मानती हूँ, उनको सलाम करते हुए मैं कहना चाहती हूँ, तंजीम फातिमा जी को, वो पहले से सांसद थी, सांसद रही और अभी भी सांसद है राज्यसभा की, क्या उन्हीं को सीट देना है? समाजवादी पार्टी के झंडा उठाने वाले कोई भी सीनियर एक कार्यकर्ता हो तो उनको अगर ये सीट देते तो हम उनको हर्ष करते, अभिनंदन देते। परिवारवाद होके बीवी भी सांसद रही और बीवी भी विधायक बनेगी, उनके बेटा भी विधायक बनेगा, खुद सांसद बनेगा और पूरा रामपुर को कब्जा करने का यही एक चाल है।